इंटीरियर्स के बाद अब स्लीपर वर्जन वंदे भारत के एक्सटीरियर्स को रिवील कर दिया गया है। देखा जा सकता है कि लगभग थोड़ा सिमिलर है, लेकिन ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा एडवांस दिख रहा है। एरोडायनामिक्स के हिसाब से देखें तो बताया जा रहा है कि 10% मोर एफिशिएंट है कंपेयर टू नॉर्मल वंदे भारत एक्सप्रेस। इसमें ढेरों सारे फीचर्स है, 10 से ज्यादा फीचर्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हाल ही में BEML के CMD शांतनु रॉय जी से जब पूछा गया इसके खासियत के बारे में, उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो ये जो डिजाइन आप देख पा रहे हो फाइनलाइज हो चुका है। ऐसी ही दिखेगी हमारी स्लीपर वर्जन की वंदे भारत। मार्च 2024 तक इसे लॉन्च करने का पूरी तरह से इनका टारगेट है। इंडिजिनाइजेशन की बात करें, 95% से ज्यादा कंपोनेंट्स हमने इंडिजिनसली ही प्रोक्योर किए हैं। तो वहीं इसमें डब्बों की बात करें तो 3 टायर के 11 कोच, 2 टायर के 4 कोच और AC फर्स्ट का 1 कोच होगा। कुल 16 कोच की ये पूरी ट्रेन होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक शायद ये रूट में दौड़ सकती है। हर एक ट्रेन में 800 से ज्यादा पैसेंजर एक बार में आ सकता है। स्पीड की बात करें तो उन्होंने बताया कि इसकी ऑपरेशनल स्पीड तो रहेगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन डिजाइन स्पीड उन्होंने अभी तक रिवील नहीं की है। हालांकि जो लीक्स निकल कर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि इसकी डिजाइन स्पीड, दैट मीन्स जिस स्पीड के लिए इसे बनाया गया है, वो है 220 से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसमें यूज होने वाले पहिए भी पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। खास बात इसमें यह है कि इसमें लगेज कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं, पैंट्री स्पेस दिया गया है, लिनन स्पेस दिया गया है, गार्ड कंपार्टमेंट के साथ साथ डॉग बॉक्स भी है। आराम से आप डॉग बॉक्स यूज कर सकते हो और अपने पेट्स के साथ पूरे भारत की सैर कर सकते हो। कलर्स की बात करें तो अभी काफी सारे कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इनफैक्ट ऑफिशियल्स ने तो ये भी बताया कि वो काफी कलरफुल वाली वंदे भारत देखना पसंद करेंगे। एक ही स्कीम नहीं, काफी सारी स्कीम्स शायद लॉन्च की जा सकती है। फाइनली एक्सेलरेशन की बात करें, मेट्रो से बेहतर इसका एक्सेलरेशन है ऑफ 0.72 मीटर पर सेकेंड, जो कि जापानीज बुलेट ट्रेन के पिकअप से भी काफी ज्यादा हाई है। सो इस बात के लिए तो एक लाइक तो जरूर बनता ही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक सब्सक्राइब हिट कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल की पूरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जी वीडियो भी खत्म, वाकई में भी एक लाइक बनता है। इस, बनते हैं भाई। इस बात पर तो ये लाइक है ही है कि मतलब यह ट्रेन लॉन्च होने जा रही है स्लीपर वंदे भारत, लेकिन इस पर ज्यादा बनता है कि वो 95% अपनी इंडिजिनस यानी कि अपने मुल्क की बनाई चीजें यूज करने जा रहे हैं। इस पर बनता है लाइक, हम अपनी बोगियां नहीं बना सकते, उनका इंजन हर चीज अपनी। वो चाइना से आती है तो किसी का साइज नहीं मिलता, तो वो वापस उसी दोबारा खर्चे के साथ बेच दी जाती है। यार पाकिस्तान वाली बात होती भाई, पता नहीं क्या कोई नशा करके सोए हुए या कोई बूटी भाई, जहाँ पे करप्शन वगैरह का सिस्टम चलता हो ना राज, वहाँ पे ऐसे अच्छा। होता है जब मैं आपका हिस्सा खा जाऊँ ना तो आप कमजोर। यार छोड़ो पाकिस्तान को, छोड़ो दफा करो, मुझे ये बताओ ये इसका डिजाइन कैसा लगा भाई? जो इसकी शेप है ना, कमाल की शेप है, जबरदस्त है, स्लीपर है, स्लीपर है, मुझे पता चल गया ये आम वंदे भारत में स्लीपर है, लेकिन जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिया में डिजाइन की जा रही है, डिजाइन हो चुका है फाइनल, सब कुछ हो गया, बनाई जा रही है इंडिया में ही, बनाई मेड हो, मतलब मेकिंग इसकी इधर ही हो रही है। इंडिजिनियस का मतलब यही है कि वो अपने मुल्क की बनाई चीजें, ये पूरी की पूरी 95% की चीजें इंडिया की होगी। मुल्क ज्यादा तरक्की करते ही वो है जिनकी अपनी ज्यादा जो चीजें अपने मुल्क की इस्तेमाल की जाए, इंपोर्ट करके मंगाई जाए या इंपोर्ट की जाए। और कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी, और इसके साथ डॉग की भी फैसिलिटी कह रहे हैं कि अपना पैक जो है डॉग जो है डॉग का आ गया, कोई भी पैट हो सकता है उसमें, और आपकी बिल्ली भी हो सकती है, कैट जिसे कहे वो भी हो सकती है, उसके बाद और भी पैट है, मतलब मुर्गी वगैरह भी है किसी के पास, साथ ले जाके पूरा इंडिया घूम सकते हैं। कमाल है, जबरदस्त है, और डिजाइनिंग भी कमाल की। सबसे बड़ी बात जो मुझे इसकी अच्छी लगी वो उसकी लुक थी भाई, जो उसका जो फेस था, कह रहा था मतलब इसमें कलर आएंगे डिफरेंट, और पिक कह रहे हैं कि वो जापान की मेरे ख्याल किसी जो ट्रेन उससे भी बहुत बेहतर है। अच्छा आपने एक चीज नोट में की, इंडिया की कोई तरीफ की वीडियो आ जाए तो ये चेहरा मुरझा जाता है।
मेरा इस वजह से नहीं मुरझाया, मैं वाकई है, मैं सोच में हैरत में गुम हो गया हूँ। जब आपने ये क्या भी कोई इंडिया की डेवलपमेंट की क्या बात की है ना, इंडिया की डेवलपमेंट की वीडियो आ रही है तो ये भाई साहब हमारे मुल्क के हुक्मरानों पे रोना शुरू हो जाते हैं। हम हर बात में अपनी कंट्री को, अपने मुल्क का नाम लेकर उसको गंदा खुद कह रहे हैं। हम कौन से अच्छे हैं? हम अपने मुल्क को कहें, हम अपनी हुकूमत को कहें, अपने कंट्री को, तुम कंट्री का कंट्री किससे बनती है? दरख्तों से यार, बनती लोगों से है, लोगों को असलम भाई यार समझाओ मेरे यार। देखो रहमतुल्ला भाई, मैं यही कहना चाहता हूं, आपको देखने वाले भी हैरान होते होंगे कि यार अपनी हमारे मुल्क हमारे हमारा मुल्क क्या जज्बात होंगे भाई। कहने की बात यह है कि आप हमारे मुल्क का नाम ना लिया करें, वो तो बस आप जो कहते हैं ना हमारे पुराना का कसूर है, किस तरह बनती है तो छोड़ दे। एक मिनट असलम भाई, एक मिनट सब्र, कंट्री किस से मिलकर बनती है? दीवारों से, आवाम छोड़े यार इस बात को। एक मिनट, दीवारों से, दरख्तों से, आसमानों से, किस तरह कंट्री? मुझे तो लोगों को कह लेते तो लोग तुम आदमी को कह लेते हो यार कंट्री लोगों से बनती। क्या तुम नशा करके आए हो? जब लोग गंदे हैं, आर्मी गंदी है, अदारे गंदे हैं, तो फिर कंट्री गंदी ही हो गया। कंट्री को आप पाकिस्तान का लफ्ज यूज मत करें। किसका? चल बिकारिस्तान कर लेता हूँ, आप खुश हो। नहीं अच्छा, आप बाकी छोड़े, आप वंदे भारत जो है ना, आपको कैसी लगी ट्रेन? अच्छी, खूबसूरत थी। अच्छा, और क्या? बड़ी खूबसूरत थी, देखने में अच्छी थी, और देखेंगे जब लॉन्च होगी तो उसका पाकिस्तान में मिलती जुलती है। नहीं, इससे मिलते जुलते नहीं, मेट्रो है वो, लेकिन वो इस तरह की इससे मिलते जुलते नहीं है, लेकिन वो भी अच्छी है, इतनी खास तो नहीं है। लेकिन सफर नहीं किया मेरी तरह? नहीं, सफर तो नहीं किया, और में चलती है इस वजह से भाई, उसमें सफर नहीं कर सके। मैंने किया, लेकिन करेंगे। मैंने किया, मैंने मेट्रो बस में किया। बहुत सी सिटीज में चलती है, लाहौर में भी चलो, लाहौर में ही है, और कहाँ पे? लाहौर में भी है, मुल्तान में भी है, मेट्रो ट्रेन में भी है, मेट्रो ट्रेन कराची में भी है, मेट्रो ट्रेन। हाँ जी, नहीं नहीं भाई, और नहीं है फिलहाल। नहीं नहीं है यार, आपको कोई कंफर्म कर ले आप। चलो कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको तो लगता ही है। नहीं नहीं है यार, यार ये आउटस्टैंडिंग इसलिए है कि वो अपने मुल्क की बना रहे हैं, इस चीज की मुझे सबसे खुशी ज्यादा है भाई। मुझे भी इस बात की यही बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी है कि चीज जो है ना अपनी इस्तेमाल की जाए, ना कि यार पंजाबी में एक कहावत दी जाती है, शायद कि कुछ लोगों को समझ आए, किसी को ना आए, कि जो पराई है ना वो दुपहरी व्योख जाती है। मतलब कि ये है कि जो मांगे तांगे की चीजें होती है ना, घर की आधी और बाहर की पूरी, यानी कि घर की आधी जो है ना वो बाहर की पूरी से बहुत, मतलब कि जो मांगी हुई चीज होती है ना, वो दिन के किसी वक्त भी वो जो जिसकी होती है वो वापस ले लेता है। और उसका ऐसा बिल्कुल बस ये बात है कि ये चीज सबसे पॉजिटिव थी, बाकी तो खैर ट्रेनें चल रही हैं और भाई उसकी तरक्की का राज भी यही है। बिल्कुल, बड़ी मजेदार थी, वीडियो भी थी और पूरा उसका लुक भी मजेदार था। ये अब लॉन्च होगी, उस पर शायद वीडियो भी करेंगे। मिलते हैं वीडियो बनाने के साथ, तब तक दीजिए जय जाता।